हेलो, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। आपके साथ एक बार फिर मैं हित अभिलाषी शर्मा आपके साथ एक नई वीडियो, एक नया कंटेंट, एक नए इंटरेस्टिंग वे में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपने जैसे पहले ही मेरी वीडियोस को देखा, अगर फिर से देखना चाहते हो मेरे चैनल जानकारी हित पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और चेक कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को ज्वाइन करते हैं। अकाउंटेंसी का एक और कॉन्टेंट, कौन सा कॉन्टेंट है? लेट्स मूव अहेड विद मी। आओ कुछ नया जाने। यस, टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जर्नल। आज हम सीखेंगे कि जर्नल क्या है, उसका मीनिंग, उसका फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेट कैसे बनता है जर्नल रिकॉर्डिंग के लिए, और बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम प्रैक्टिकल रूप में कैसे जर्नलाइज करते हैं। बहुत ही आसान ढंग से मेरे साथ आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम इसके एक एक इशू को बहुत ही सिंपल वे में और इफेक्टिव वे में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेट्स मूव इट विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever we talk about any content or concept, firstly we should know what is the meaning of that content. Similarly, what is the meaning of journal? Journal ka arth kya hai bhai, isko jante hain. Journal has been derived from the French word jour. Sabse pehle bhi jo shabdik arth hai na, uski baat kar raha hu. Jo journal hai, ek French bhasha ka shabd jour hai, which means a day. Day matlab daily basis. इसका मतलब अगर हम साधारण अर्थों में जाएं तो मतलब क्या बना, जर्नल इज अ बुक विच रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन डेली बेसिस। मतलब इसमें हम जो बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस का जो लेन देन है, उसको डेली बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का जो फर्स्ट कॉन्टेंट है वो है ही रिकॉर्डिंग। सो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, ये हमें ध्यान रखना होगा। In which transactions are recorded in chronological order. Chronological order क्या होता है? Date wise, day to day. तो journal एक basic जो entries हैं, original entries हैं, उसको record करने की एक book है, एक record है। ये हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि इसको हम original entries क्यों कहते हैं, क्यों journal में जब किसी ने entries को record करना है तो किसी ना किसी बेस पे कहीं से तो करता है। बिजनेस में कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, वाउचर्स, इनवॉइस, कैश मेमोज, बिल्स, जो जर्नल से जो पहला कंटेंट है हम वही डिस्कस करते हैं उस चैप्टर में, ये सारा का सारा इन्वॉल्व हो जाता है। उन बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर डे टू डे ऑर्डर में प्रतिदिन डेट के अनुसार जो बिजनेस के लेन देन हैं वो हम जहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, दैट ओरिजिनल एंट्री बुक इज नॉन एज जर्नल। ये हमें ध्यान रख के आगे बढ़ना होगा। तो कुछ फीचर्स हैं भाई जर्नल की, जैसे किसी कंटेंट को जानते हैं तो उसके कुछ कंटेंट हमारे दिमाग में रखने होंगे, जिनको मैंने बार बार आपके साथ रिवाइज किया। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द जर्नल इज अ ओरिजिनल एंट्री बुक, बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट टाइम ऑन द बेसिक डॉक्यूमेंट्स और जो कागज़ पत्र हैं, हम उनसे फर्स्ट टाइम बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी इसको, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल एंट्री बुक। इस पर पहले कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई रिकॉर्ड करने के लिए। सेकेंड वन इज़ अ डे बुक और डेली बुक, बिकॉज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन चनोजिकल ऑर्डर, मीन्स ऑन डे टू डे बेसिस। दैट इज द सेकेंड फीचर ऑफ जर्नल, इज दैट दैट इज अ डे बुक और वी कैन से द बुक विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन, डे वाइज हम उसको जो ट्रांजेक्शन है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड वही बात होगी, चनोजिकल ऑर्डर मैंने बता दिया, डेट वाइज ये सब ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, दैट इज द बेसिक, दैट इज द बेसिक। इसमें हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, वो मेरी ही एक वीडियो है जिसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से, मैंने वीडियो अपने इस चैनल पर डाली हुई है, उसी को जो हम कहते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है डबल एंट्री सिस्टम का। इसमें हम या तो इक्वेशन सिस्टम बेस पे करें,
या डबल एंट्री सिस्टम पे बेस पे करें, बात तो एक ही बात है। इसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग की जाती है अभी जर्नल में, वो सारी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे, मतलब बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जितना अमाउंट हम किसी ट्रांजैक्शन के कारण डेबिट कर रहे हैं, उतना ही इम्पैक्ट क्रेडिट पर भी पड़ता है। इस आधार पर हम जर्नल में अपनी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। और अमाउंट, नेक्स्ट फीचर इज द अमाउंट एज डेबिट एंड क्रेडिट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। वो मैं बता चुका हूँ, जितना अमाउंट हम डेबिट करते हैं उतना क्रेडिट। अगर हम मैथमेटिकली अर्थमेटिकली उसको चेक करना चाहें, तो जब हम जर्नल बनाएंगे उसका जो टोटल है डेबिट और क्रेडिट का सेम आएगा। जैसे हर एंट्री में हम जितना अमाउंट डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो उतना टोटल भी तो सेम आने वाला है ना भाई। नेक्स्ट जर्नल की एक फीचर और है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन एज ए नरेशन। अब आगे देखेंगे आज के वीडियो में। इसमें प्रत्येक ट्रांजेक्शन के बाद जो ट्रांजेक्शन है उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, एक संक्षिप्त रूप दिया जाता है, जिसे नरेशन कहते हैं। कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, वो हम आज की वीडियो में आगे शेयर करेंगे। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जहां पर भैया ये हमारा खेलने का मैदान है आज, जहां पर हम रिकॉर्डिंग सीखने वाले हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट अगर इसको सीख लिया तो सारा मैदान फतेह, हम भी मैदान फतेह करने वाले हैं। टू जस्ट विन द बैटल ऑफ कॉमर्स, दैट इज द बेसिक बेसिक ऑफ द रिकॉर्डिंग प्रोसीजर ऑफ अकाउंटेंसी। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अगर हम इसके कॉलम्स को देखने की कोशिश करें, तो सबसे पहले जो कॉलम है वो है डेट, दिस वन डेट। जो बिजनेस है उसकी जो डेट है, यहाँ पर हम एक बार ईयर डाल देंगे जिस ईयर की ट्रांजेक्शन है, फिर यहाँ पर मंथ और फिर डेट। यहाँ पर ईयर, फिर डेट, मंथ, देन यहाँ पर डेट। ईयर को बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, हर नई ट्रांजेक्शन के साथ हम मंथ और डेट डालते चले जाएंगे। और फिर यहाँ पर दैट इज द सेकेंड कॉलम, पर्टिकुलर्स और डिटेल। इसमें हम जो डिस्क्रिप्शन है ट्रांजेक्शन है, जिसको हम जर्नलाइज करना कहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग या एंट्री करना कहते हैं, वो हम इस कॉलम में करने वाले हैं। कैसे करते हैं वो मैं आगे बताने वाला हूँ। थर्ड कॉलम इज द लेजर फोलियो। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो जर्नल के बाद का नेक्स्ट प्रोसीजर होता है अकाउंटेंसी में, वो प्रोसीजर वो होता है लेजर, लेजर पोस्टिंग। तो लेजर का जो पेज नंबर है, जैसे ही हम अगला चैप्टर करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, उसका पेज नंबर लेजर फोलियो के कॉलम में यहाँ लिखना होता है, यहाँ पर। हमें जो क्लास लेवल पे जब हम काम करते हैं, ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो जस्ट जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, कभी कहीं पे वही लगने वाले हो आप, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहीं ना कहीं लगोगे, तो वहां पर इस पेज नंबर नोट करने के लिए ये कॉलम यूज होता है। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, कॉमर्स के स्टूडेंट हो अब तक तो जान चुके होंगे, यहां पर तो हमने रकम लिखनी है भी। वी शुड मेंशन द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, ये ध्यान रखना होगा। और ये जिसकी मैं बात कर रहा था फीचर्स में, नरेशन, हर ट्रांजेक्शन के बाद यहां पर नरेशन लिखनी होती है। नरेशन का मतलब है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब भी हम नरेशन लिखते हैं, ये बात ध्यान रखो, उसकी स्टार्टिंग, एक ये परंपरा चली आ रही है, नथिंग एल्स, बीइंग या फोर डालकर हम नरेशन को शुरू करते हैं। मान लो बिजनेस है फर्नीचर परचेज किया, तो हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस परचेज्ड फॉर द बिज सॉरी बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर द बिजनेस परचेज फर्नीचर परचेज, ऐसा लिखकर। बिजनेस नहीं भी, हम फर्नीचर ही परचेज करने वाले हैं, तो ऐसा डेबिट और क्रेडिट में उसका अमाउंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो हम ट्रांजेक्शन करते हैं। ये बेसिक जो 6 कॉलम्स हैं, 6 जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, ये 5 कॉलम और एक इसका नरेशन, ये इम्पॉर्टेंट है भी इसके फॉर्मेट के बारे में। अब इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना भी, सबसे ऊपर यहाँ पर हम उस बिजनेस फर्म का नाम लिखेंगे, जैसे एक्स वाई जेड एंड कंपनी, ए बी एंड कंपनी, और फिर जर्नल लिख के ये फॉर्मेट बनाएंगे और फिर उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट वन इज द डबल एंट्री और अकाउंटिंग सिस्टम विच वी आर गोइंग टू फॉलो। ये हमें पता है, ये मेरी एक वीडियो और है जहाँ पर मैंने डबल एंट्री सिस्टम्स को बताया हुआ है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फॉर योर रिविजन पर्पज मैं बता सकता हूँ। हमें पता है कि जो बिजनेस रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है, उसमें 2 ढंग चले आ रहे हैं। एक तो है ऑन इक्वेशन सिस्टम बेस्ड अप्रोच, जिसे मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, एक है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच, ये ध्यान रखनी होगी।
ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है, ध्यान रखना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच ये वाली है, कुछ मस्ती हो जाए ऐसी आपकी जजमेंट के लिए है ये, और ये जो इक्वेशन सिस्टम अप्रोच है वो ये वाली है। हमें इस ढंग से ये बातें ध्यान रखनी होगी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें तीन तरह के अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल का रिलेशन क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रियल अकाउंट है उसके रूल्स क्या हैं आपको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन सिस्टम बेस्ड या मॉडर्न अप्रोच लगाएं तो हमारे पास फाइव टाइप के अकाउंट्स हैं। देर आर फाइव टाइप ऑफ अकाउंट्स आर देयर, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू जिसे इनकम भी कहते हैं, इक्विटी और कैपिटल। इसमें हमें पता है कि जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो डेबिट करते हैं, जब डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज, मतलब जब एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो डेबिट, अगर वहाँ पे कुछ कमी हो रही है एक्सपेंसेस में दैट इज़ क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ अगर रेज हो रही हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही हैं लाइबिलिटी उसमें कुछ कमी आ रही है तो डेबिट। इक्विटी मीन्स कैपिटल, कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है तो इसका रिलेशन भी ऑलमोस्ट वही हो गया। रेवेन्यू मतलब एक्सपेंसेस, वेन एवर देर इज एक्सपेंसिस, जब बिजनेस बिजनेस में, जब मैंने बताया एक्सपेंसिस बता चुका हूँ, रेवेन्यू मीन्स है इनकम बिजनेस की, ये ध्यान रखना, रेवेन्यू मीन्स है इनकम। जब बिजनेस की इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, ये बात ध्यान रखनी होगी हमें। ये आप मेरी एक साथ ही एक मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो है डेबिट एंड क्रेडिट रिलेटेड, वहाँ पर देखें, यू विल गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन देयर। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल रूप में आते हैं। हमें रूल्स पता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने उन रूल्स को क्रैम किया है, हमें समझा हुआ है। डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल हैं तीन टाइप के अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ऑन 1 अप्रैल 2020 जसलीन स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख एंड अदर ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ आर एज फॉलोज। दूसरी ट्रांजेक्शंस भी हैं, जसलीन ने बिजनेस शुरू किया ₹1 लाख में, ट्रांजेक्शन इज दिस वन। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने करना क्या है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम ये देख रहे हैं कि जो ये ट्रांजेक्शन हुई इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। एक तो है अभी कैश अकाउंट, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया, हमें ये पता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पे बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। जिसलीन बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और उस कैश को देने वाला कौन है, बिजनेस का ओनर। और इस ट्रांजेक्शन को अगर हम देखें तो बिजनेस की जो ओनर है वो जसलीन है, जसलीन इज द गिवर, पैसे देने वाली है, ओनर है वो। तो बिजनेस की एक लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी, हम इस ढंग से भी देख सकते हैं, क्योंकि उसने जितना पैसा लगाया दैट इज द कैपिटल। पर्सनली देखें तो जसलीन एक गिवर भी है पर्सनल अकाउंट्स के हिसाब से, तो वहां पे क्रेडिट द गिवर जो देने वाला होता है हमें पता है उसको क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट। तो हम जसलीन के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। या जब बिजनेस, दूसरा पहलू देखो, कैश रियल अकाउंट है जो उसने बिजनेस में लगाया, कैश बिजनेस में आ रहा है। जो रियल अकाउंट है उसका ट्रीटमेंट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जिस अकाउंट में कुछ आ रहा है उस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश आ रहा है, कैश को हम डेबिट करने वाले हैं। अब देखो इसकी जनरल हमने किया क्या, इसका जनरल फॉर्मेशन कैसे बना, हमें ये ध्यान रखना होगा। ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट, इसको लिखने का ढंग देखिए, मैंने बताया था यहाँ पे ईयर, मंथ, डेट, कैश। इसको पर्टिकुलर कॉलम के बिल्कुल यहाँ डेट के बाद पर्टिकुलर के बिल्कुल फार लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, और यहाँ पे एक डेबिट वर्ड डीआर लिखने की परंपरा भी है। ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि डेबिट किया ये तो अमाउंट से ही पता चल जाएगा कि डेबिट के अमाउंट में यहाँ पे अमाउंट डाला हुआ है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ये मैंने पिछले फॉर्मेट में आपको बताया। और फिर जिस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उसको लिखने का एक परंपरा चली आ रही है, इससे थोड़ा सा हटके, थोड़ा दूर। तो टू के साथ जिस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उस अकाउंट का नाम आएगा, जैसे हमने क्रेडिट किया कैपिटल को तो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। जिसलीन्स कैपिटल भी कह सकते हैं, कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं। और नीचे ये क्या है अभी, नरेशन, बीइंग, मैंने बोला बीइंग और फॉर कुछ भी लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश।
और किसने शुरू किया? जसलीन ने। जसलीन का बिजनेस है, जसलीन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। और यहाँ पर अमाउंट 1 लाख वो लेके आई थी भी जसलीन, 1 लाख डेबिट। डेबिट अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखना है, क्रेडिट अकाउंट जिसको हमने क्रेडिट किया है वो क्रेडिट कॉलम में उस लाइन में उसके सामने लिखना है, ये ध्यान रखना होगा जब हम इस लेवल पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी जर्नलाइज कर रहे हैं एंट्रीज को। अब सेकंड एंट्री देखिए, ऑन 2nd of April परचेज फर्नीचर फॉर कैश 7000। फर्नीचर परचेज किया है अभी उसने, तो बिजनेस में फर्नीचर हमें पता होगा, फर्नीचर इज कमिंग। क्यों ऐसा कर रहे हैं? एंट्री क्या किया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर को हमने डेबिट किया, कैश अकाउंट क्रेडिट किया। क्यों किया? रीजन हमें पता होना चाहिए। हम देखते हैं इसको, देखो ध्यान से, फर्नीचर इज कमिंग इन द बिजनेस क्योंकि फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट। और मैंने आपको क्या बताया, डबल एंट्री सिस्टम में रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ये किया हमने डेबिट। और फिर दूसरा है कैश, जिस पर इफेक्ट पड़ा इस ट्रांजेक्शन का, वो जा रहा है अभी, इज गोइंग आउट, क्योंकि फर्नीचर परचेज किया तो पैसा गया आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से बाहर जा रहा है। वही रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में अगर कुछ जाता है तो उस अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। लिखने का ढंग वही है, यहाँ पर डेट, जिस अकाउंट को डेबिट किया वो यहाँ पर बिल्कुल, और थोड़ा दूर लिख के डेबिट DR, और यहाँ पर डेबिट का अमाउंट, और नेक्स्ट सेकंड लाइन में थोड़ा सा हट के यहाँ पर 2 के साथ जिस अकाउंट को क्रेडिट किया उस अकाउंट का नाम, जैसे यहाँ कैश को किया और क्रेडिट यहाँ पर। नीचे ये है नरेशन, बींग फर्नीचर परचेज्ड, और फिर यहाँ पर एक जो कहते हैं ना भी बैरिकेड लगा दिया, ये लाइन लगा दी, एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ये लाइन डेट में नहीं आनी चाहिए, लेजर फॉलियो में नहीं आनी चाहिए, यहां तक की रहनी चाहिए बस पर्टिकुलर्स के कॉलम में। ये बात ध्यान से हमें दिमाग में रखनी होगी। एक बात और, जो पहले हमारे देश में अमाउंट को लिखने का ढंग था वो रुपीज था, ये वाला जो RS लिखते हैं, आजकल उसका सिंबल ये वाला है, ये ध्यान रखना, ये वाला सिंबल है हिंदी का, र डालकर उस पर 2 पैरेलल लाइंस, ये आजकल रुपीज का सिंबल है, ये ध्यान रखना होगा हमें। कुछ और ट्रांजेक्शन, अब जल्दी जल्दी से, टाइम भी हो रहा है, अब हमें समझ भी लग गया, नियम ध्यान रखना होगा। गुड्स सोल्ड टू स्पिंदर, स्पिंदर को 500 रुपए की चीजें जो हमने सेल आउट की हैं, तो हमें ध्यान क्या रखना होगा, किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है? एक तो स्पिंदर पे, स्पिंदर क्या है, पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीवर है, हमने उसको सेल की तो वस्तुएं उसने प्राप्त की, ही इज द रिसीवर, तो उसके अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट, पर्सनल अकाउंट है तो हमने क्या किया, स्पिंदर्स अकाउंट डेबिट। और सेल की बात करें, सेल क्या है, बिजनेस की एक तरह के गुड्स हैं, गुड्स मतलब रियल अकाउंट, बिजनेस की एसेट्स ही हैं भी वो, गुड्स के बारे में ध्यान रखना, गुड्स मीन्स इन विच बिजनेस डील्स इन, जिसका बिजनेस व्यापार करता है, गुड्स बिजनेस का स्टॉक हो गया। ध्यान रखना जब गुड्स परचेज की जाती है तो गुड्स अकाउंट की जगह हम उसको परचेज अकाउंट कहते हैं, जब सेल आउट की जाती है तो उसको सेल्स अकाउंट, ताकि बिजनेस की सेल और परचेज का सेपरेटली पता चल सके। तो सेल रियल अकाउंट, गोइंग आउट गुड्स जा रही हैं, सो गेट्स क्रेडिट, तो हम सेल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, स्पेंडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मीन्स सेल्स को हमने क्या किया, क्रेडिट। टू तो हमने बताया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, नरेशन होगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्पेंडर। ओके, नेक्स्ट वन, अब ध्यान रखना, यहाँ पर कईयों के दिमाग में आया होगा, भाई यहाँ कैश क्यों नहीं लिखा, ये हम एक एक ट्रांजेक्शन में बताएंगे। अगर यहाँ पर नाम ना होता स्पिंदर का तो हम इस ट्रांजेक्शन को कैश मानते, जब वो यहाँ पर कैश लिख देता कि कैश ट्रांजेक्शन हुई है, तब हम स्पिंदर अकाउंट को डेबिट नहीं करना था, फिर बिजनेस में कैश आने वाला था, फिर यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट करते। नेक्स्ट वन, ऑनर विदड्रू ऑफ वर्थ ₹2000 फॉर पर्सनल यूज, ऑनर होता है बिजनेस का मालिक, यहाँ मालिक कौन है, जसलीन, क्योंकि वो कैपिटल के साथ उसने बिजनेस शुरू किया था, 2000 का उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रा मीन्स निकाल लिया, बिजनेस से निकाल लिया अभी 2000 रुपया। ये मैंने आपको बताया हुआ है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटेंसी के, आप वीडियो देख सकते हो, अगर कोई बिजनेसमैन, इफ एनी बिजनेसमैन विड्रा द अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज और विड्रा गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, दैट अमाउंट या वैल्यू ऑफ गुड इज नॉन एज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स, जितनी भी ड्राइंग्स होंगी, ये ध्यान रखना, ये ऑनर के हिस्से में जाती है,
क्योंकि जब वो पैसा डालता है बिजनेस में, उसकी कैपिटल होती है, एक तरह से ड्राइंग का इंडिकेशन होता है कि उसकी कैपिटल कम हो रही है। बहुत से जो अकाउंटेंट हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट जब आती है तो क्रेडिट, जब उसने ड्राइंग की तो कैपिटल को डेबिट करके कम कर देते हैं। एक ढंग क्या है जो मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ आपको, जब ऑनर ने पैसा विदड्रॉ किया अभी 2000 बिजनेस से, तो हुआ क्या, ड्राइंग एक तरह से पर्सनल है ऑनर का, क्योंकि वो बिजनेस से विदड्रॉ कर गया। उसकी कैपिटल क्या होगी, बिजनेस से रिड्यूस होगी। तो कैपिटल मीन्स ड्राइंग्स, यहां पर जिसको हम कह रहे हैं उसको रिड्यूस करना है, अदरवाइज तो कैपिटल क्रेडिट होती है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को क्या करेंगे यहां पर डेबिट, क्योंकि ये ड्राइंग्स हैं जो उसने बिजनेस में से विड्रॉ की है। जब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो सेटल डाउन होती है इसकी कैपिटल के साथ। जितनी कोई ड्राइंग्स करता है बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाल कर लेके जाता है, उतनी उसकी कैपिटल कम हो जाती है। ये हम लेटर ऑन स्टेजेस पे करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, पेड टू काजल ₹1500 बाई चेक। चेक द्वारा काजल को पे किया, ये नया ढंग है, अभी ध्यान से एक नया ट्रांजेक्शन हम सीख रहे हैं। कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं हमें ये ध्यान रखना होगा। ये देखिए ध्यान से, ये एरो है मैंने शो किया है, काजल अकाउंट है, दूसरा बिजनेस का। ये ध्यान रखो दोबारा ध्यान से, कैश कैश लगता है, पर ये ध्यान रखो भाई, जब काजल अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है ये कैश ना होके ये क्या बन गया, ये आपकी टेस्टिंग के लिए है। ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया, कहीं ऐसी ना समझ जाओ बैंक। क्यों, क्योंकि काजल को जो पेमेंट हो रही है वो चेक के द्वारा हो रही है, तो बैंक काजल को हमने अमाउंट पे किया ₹1500। वी हैव पेड ₹1500 टू काजल। काजल इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर के अकाउंट को हम क्या करते हैं अभी हमें पता है डेबिट। तो काजल का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। बैंक हमें पता है आर्टिफिशियल पर्सन है, ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया, तो ये भी गलत हो गया ना भी, क्योंकि कैश नहीं है, ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। ये ध्यान रखना होगा, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, बैंक गिवर है, क्योंकि हमारे बैंक ने उसको पेमेंट किया है। काजल रिसीवर, बैंक गिवर, तो गिवर के अकाउंट को हम क्या करते हैं, हमें पर्सनल अकाउंट में पता है क्या करते हैं अभी, गिवर के अकाउंट को क्रेडिट और रिसीवर के अकाउंट को डेबिट। काजल अकाउंट डेबिट, बैंक को अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, पेड सैलरी एक्सपेंसेस 2000। हमने सैलरी का खर्चा पे किया ₹2000, खर्च पे किया है। अब ध्यान रखो सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करेंगे भी, सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में क्या होते हैं, डेबिट। ये ध्यान रखना होगा, नॉमिनल अकाउंट में ये है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जब सैलरी है तो सैलरी अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। सैलरी पे की है तो दूसरा इफेक्ट किस पर पड़ा, कैश पर। कैश क्या करेंगे हम, ध्यान रखो कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस से बाहर जा रहा है सैलरी पे करने के लिए, तो जो बाहर जाता है अकाउंट अगर रियल अकाउंट, तो उस अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। कैश बाहर जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट। मींस क्या हो गया, हमने क्या किया है, सैलरी पे कर दी और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। ये अमाउंट लिखने का ढंग मैं आपको बता चुका हूँ, बींग सैलरी पेड। आप एक नई चीज देख रहे होंगे यहाँ पर, ये 6000, 6000 क्या लिख दिया, यस बींग अ न्यू स्टूडेंट यू शुड नो दैट इज अ टोटल। हर पेज के एंड में जो टोटल लगता है जर्नल का, हमने वो लगाया, दोनों साइड का देखो टोटल बराबर, यही तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, दोनों तरफ सेम इम्पैक्ट पड़ रहा है। जितना अमाउंट हमने डेबिट किया उतना ही अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। दैट इज जिस बात की मैं बात कर रहा था, मैथमेटिकल एक्यूरेसी। ओके, और एक बात और ध्यान रखें, और जितना ये एक पेज का टोटल होता है, ये नेक्स्ट पेज पे आगे कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है, नेक्स्ट 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 उस पे कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है। नेक्स्ट वन, तो फाइनली हम जहां पर पहुंचे हैं, मेजर पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग जर्नल एंट्रीज। जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं हमें करना क्या होता है, ध्यान से दोबारा रिकैप्चुलेट करते हैं हम इसको। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझो, दिस वन, रीड एंड अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन प्रॉपरली, उसके एक एक शब्द को पहचानो क्या कह रही है अभी बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकंड, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स गोइंग टू इफेक्ट, मींस नेम ऑफ द अकाउंट, उन दो अकाउंट की पहचान करो, दो की, तीन की, जितने भी होते हैं,
जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन के कारण इफेक्टेड हो रही है। देन डिटरमिन द नेम ऑफ इफेक्टेड अकाउंट, फिर हम उन जो अकाउंट्स की पहचान की है उन अकाउंट्स की टाइप को डिटरमिन करो कि वो कौन से अकाउंट है। अगर ट्रेडिशनल मेथड में जाएं, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल है, या दोनों रियल है या दोनों पर्सनल है, एक पर्सनल है एक नॉमिनल, कोई भी कंबिनेशन हो सकता है। अगर इक्वेशन मेथड के बेस पे हम सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें देखना होगा कि वो अकाउंट जो इफेक्टेड हो रहा है वो एसेट्स लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंडिचर या कैपिटल अकाउंट्स में से कौन सा अकाउंट है, इट शुड बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हमें ये देखना होगा कि उस बिजनेस ट्रांजेक्शन के कारण जिस अकाउंट को हमने डील किया है डबल एंट्री रूल्स के अकॉर्डिंगली उस अकाउंट को हमने डेबिट करना है या क्रेडिट। जब इतना हो गया फिर रह क्या गया, फिर फाइनल मैदान फतेह, पास जर्नल एंट्री अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, जो मैंने आपको जर्नल का फॉर्मेट बताया उसमें जर्नल एंट्री कर देनी है एंड देन वी विल वन द मैच। कौन सा मैच, हमें जर्नलाइज आ जाएगा। अगर आपका इस रिगार्डिंग मन में कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, वीडियो के उस हिस्से को देखिए, बातों को कंसंट्रेट कीजिए एंड यू विल गेट द रिवार्ड। Thank you very much and wait for another video on any topic of economics, accountancy, business or e-business and journal awareness. Thank you very much again. Jo newcomer hain wo subscribe kijiye channel ko, like kijiye and share for the benefit of others. Again, thank you very much.